केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक अलग तरह का तुगलकी फरमान जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो अब उसको घर पे रहने का अधिकार नहीं होगा, उसको होम आइसोलेशन का अधिकार नहीं होगा, उसको रेलवे कोच में रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा तानाशाही पूर्ण फैसला है आपका? देश के लिए अलग नियम, दिल्ली के लिए अलग नियम? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली वालों से कोई बदला ले रही है? पूरे देश के लिए आप अलग नियम लागू करेंगे, दिल्ली के लिए आप अलग नियम लागू करेंगे? पूरे देश की गाइडलाइन है आईसीएमआर की कि अगर कोई माइल्ड पॉजिटिव केस पाया गया या कोई कोरोना का ऐसा केस है जिसमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन करने का यानी अपने घर में अपने आप को अलग रखने का अधिकार होगा। एक अलग से भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए फरमान जारी किया। मुझे पता नहीं दिल्ली वालों से क्या उनकी दुश्मनी है, वो कह रहे नहीं नहीं साहब, पूरे देश में तो ये नियम लागू होगा, दिल्ली में लागू नहीं होगा। दिल्ली में अगर किसी का पॉजिटिव पाया गया, वो चाहे माइल्ड पॉजिटिव हो, वो चाहे गंभीर लक्षण हो ना हो, उसको उठा के रेलवे के कोच में बंद कर देंगे। अब वो रेलवे कोच आप जाकर देखिए रहने लायक है क्या? इस तपती गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में रेलवे के कोच आग की भट्टी बने हुए हैं जिसमें कोई एसी की सुविधा नहीं है और भाजपा ही कह रहे हैं कि जाके उसी रेलवे कोच में आप रहिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और दिल्ली के साथ भेदभावपूर्ण फैसला है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों में 60% बेड सस्ते दामों पर करना चाहती है। दिल्ली सरकार चाहती है दिल्ली की जनता को 60% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में रियायत पर मिले, सस्ते दामों पर मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? कह रही है 24% बेड ही हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रिजर्व रखना चाहते हैं सस्ते दामों के लिए, उसमें 24% बेड को ही हम रियायत देना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या आपका समझौता है प्राइवेट हॉस्पिटल से? क्यों इनके पक्ष में इतना आप मजबूती से खड़े हैं? हम लैब पे कार्रवाई करें भाजपा के पेट पे दर्द, हम गंगाराम पे कार्रवाई करें भाजपा के पेट पे दर्द। हमने एक समय में मैक्स पे कार्रवाई की थी, उस पे भाजपा के पेट में दर्द। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रति इतनी मेहरबान क्यों है भारतीय जनता पार्टी, ये समझ से परे। तो इन दो विषयों पर जो आज बैठक थी उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपना पक्ष बहुत साफ तौर पर रखा है, किसी भी प्रकार का कोई समझौता इन दो विषयों पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लोग 5 दिनों तक रेलवे कोच में आग की भट्टी में अपने आप को जलाने के लिए नहीं जाएंगे। दिल्ली के लोग जो होम आइसोलेशन में अपने आप को ठीक कर सकते हैं, रख सकते हैं, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं, वो यथावत जारी रहेगा। और दिल्ली की जनता किसी भी प्रकार के भाजपा के, केंद्र सरकार के, अमित शाह के इस प्रकार के तुगलकी फरमान को मानने वाली नहीं है। आप जबरन किसी को पकड़ के बंद कर देंगे कि जाओ रेलवे कोच में रहो, ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कितने लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं? हजारों की संख्या है उनकी। तो अगर आपने, केंद्र सरकार ने खुद ही आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी की है
तो दिल्ली के लिए उसको आप क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? शाम को फिर इस विषय पर मीटिंग होगी, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने अपना विरोध दर्ज कराया है और ये कहा है कि इन दो बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। शाम को इस मीटिंग, अगली जो मीटिंग होगी उसमें फिर से इस बारे में चर्चा होगी।